शिब्रा करेगी नहीं करेगी, तो एक लाइन अभी आगे कहेगी शिब्रा, जो शिब्रा बहुत पसंद है, कि वो मर जाएगा, उसकी मर्जी है भाई, मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। बहुत दुख हुआ मुझे, मुझे नहीं अच्छा लगा। दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसके अंदर क्या रोमांस है, इसका तो कोई फायदा है नहीं। ड्रामे में क्या हुआ? मैंने फील किया है, मेरे लिए बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया क्या चल रहा है। मुझे तो वो वक्त याद है जिन अच्छे दिनों में हम हिरामे जुनून, हाँ, कलंदर के रिव्यूज करते थे। इवन मैं के ना तीन तीन पेजेस में लिखती थी, और वो भी लगता था कि कम पड़ गए, उस मेरी खत्म ही डायरी इन ड्रामों ने की है। और अब देखो लिखा है, शुरू किया मैंने इश्क मुर्शिद एपिसोड 3, व्हाई डिड, और उसके बाद पन्ना खाली है, व्हाई डिड और पन्ना खाली पन्ना खाली है, तो मैं इसका तो कोई फायदा है नहीं, तो इसको मैं रख देती हूँ। ड्रामे में क्या हुआ, सीन्स मुझे याद है, मैंने देखे, इसलिए मैं मैंने फील किया है सीन्स को, अजबर किया आज आपने। हाँ, क्योंकि दो दफा एपिसोड जी, एक दफा जैसे ही आता है ना फैसला, फैसला भी देख रहे हैं मैं, कब वाह आप फ्री ने आप पे, कहते नहीं बस अब वो देखना शुरू किया, तो वो एक उनके साथ देखती हूँ, फिर मैंने खुद से देखा, सीन कमज़ोर थे। अब अगर समझ नहीं आ रहा कि शिब्रा शादी करेगी नहीं करेगी, सीधी सीधी बात है, हालांकि माँ कह रही है कि उसकी मर्जी है भाई, वो उसको आप ऐसे नहीं कह सकते, वो गई है आपस में, मैंने कहा मोमेंट, और कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसे डायलॉग्स चीजें नहीं थी, उसने उससे पूछा, ये तो बिल्डअप बहुत ऊंचा होना चाहिए था, बहुत बड़ा बड़ी मोमेंट सीन होना चाहिए था, और यहां उसको, देखिए हम बात कर रहे हैं कौन है शिब्रा, शिब्रा वो आपकी सीएसएस ऑफिसर है, और उसने उसकी शुरू, आप एपिसोड नंबर 1 देखें और उसके बाद इस शिब्रा को देखें, ये लगी लोग ही नहीं, ये वो बंदियां ही नहीं है दोनों, मतलब सारे बड़े सीन खा गए, मतलब मुझे लगता है कि हां आराम से सीन सब शूट हुए हैं, जब इनको पता नहीं था कि ये ड्रामा इतना बड़ा हिट होगा, और उन्होंने निकाल दिए, ऐसे वीक सीन्स हैं कि लग नहीं रहा कि इस टीम को पता है कि आपके 33 मिलियन व्यूज आ रहे हैं ऑन वन एपिसोड, ये ऐसा होता है, लगता है कि ये बन गया, और अब क्योंकि नहीं सीन्स ठीक हो सकते थे, बिलाल वाज वेरी बिजी, दुरेफिशा वाज बिजी, रीशूट भी ये टीम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, तो इधर ये फंसे हैं, और स्क्रिप्ट की वीकनेस इसको मार रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। ये बात तुमने बिल्कुल 100% राइट की है ना, क्या इमोजी आपके पास? मेरे पास वही है जो आप सब समझ रहे हैं, कंफ्यूजन। चलें जी, अब्बा बहुत बुरे लग रहे हैं मुझे। किसके? ये शिब्रा के, उनका हर ड्रामे में उनकी बेटी के साथ ही हो जाता है। हाँ, ये कैरेक्टर है ना, बेचारे कैरेक्टर बहुत सेल्फिश हो, इसका मतलब बाप भी जाने 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 जहां में भी उन्होंने बेटी को पकड़ा, इसमें भी उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा। सबसे अच्छी बहन है, शी इज वेरी क्लियर। OST तीसरा आया है, और अब वो सब ना मेरे पीछे पड़ जाती है, OST की बुराई की जाए, फोर्थ है ये, तीसरा नहीं है, पहला वाला जो आपको बुरा लगा था, दूसरा वाला जो अच्छा लगा था, फिर तीसरा सिंधी था, ये चौथा एक और आया। तो ये जो अहमद जहां जेब का ही OST था, वही इस ड्रामे की आइडेंटिटी थी, और वही होना चाहिए था। अगर आपने एक सैड वर्जन दिखाना था उसको, फ्लूट में जिस तरह आपने बनाया था एक जगह, या विसल में था, फ्लूट में नहीं विसल में था, वही विसल रहने देते, ये तो बिल्कुल ही कोई चीप चीज आ गई, इससे तो कुछ बता अलग हो जाता है मूड। और जहाँ तक मैं राइटिंग की बात करूँगी, मुझे सिर्फ एक ही जुमला अच्छा लगा है, वो अगले एपिसोड में आना है। जब वो चला था ना, तो मैं हल्ला के ऐसे कुछ कर रही थी, एकदम मेरा ना ऐसे हुआ है, क्योंकि आई एम इन लव विद द कैरेक्टर्स, मुझे शिब्रा बहुत पसंद है, मुझे दो नाम है इसके, बिलाल नहीं नहीं फजल बख्श, मुझे फजल बख्श बहुत पसंद है। तो सिंस आई हैव बीन लिविंग एंड लविंग देम फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स मंथ्स, तो एक लाइन अभी आगे कहेगी शिब्रा, कि मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन वो मर जाएगा। व्हाट अ लाइन, ये आगे आनी है, बहुत प्यारी लाइन थी। जहां तक इस एपिसोड की बात है, एक और लाइन के, हाँ भाई जाओ तुम अपने घर जाओ, बहुत दुख हुआ मुझे, मुझे भी लगी लाइक सुकैना कि शादी हुई है तो बाप ने अपना घर, ये अब उसका अपना घर नहीं है, तो जिस तरह उठती है और उसको तकलीफ होती है और माँ उसको एक्सप्रेशन देती है ना, दैट वॉज वेरी वेरी टचिंग। और मुझे नहीं अच्छा लगा कि क्यों बाप ने माँ की बेइज्जती की, और उसके बाद जाके बेटी जो कि एक्चुअली जिसका सीन है उसके साथ नॉर्मल है, उसको मना रहा है, क्यों बीवी को बेइज्जत कर रहे हो आप, वो नहीं मुझे अच्छा लगा। एंड इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड कि वो क्यों बीवी से इतना नाराज़ है बाप जो है। तो वीक सीन्स, वेरी वीक डायलॉग्स। तो नंबर इस वाले एपिसोड पे देने, अगली वाले के डायलॉग, हाँ, वो बस डायलॉग मैंने कहा मुझे हिट किया था तो मैं शेयर करूँ, लेकिन नंबर्स फॉर दिस एपिसोड राइटिंग में वुड बी 5। सीरियस बातें हो रही हैं, मुझे ये बता दो, हाँ? जो सीढ़ियों का सीन है, वैसे जितने भी सीन हीरा वाले हैं ना, महरीन के, महरीन नाम है ना, हाँ, वो बड़े अजीब शूट हुए हैं,
जो भी उसको दिखाना चाह रहे हैं ना, वो खड़े होके वेस्टर्न कपड़ों से नहीं वो दिखा रहे हैं, वो उसके कपड़े और उसका जो पोस्चर खड़ा होके अजीब तरह से डायरेक्टर शूट कर रहा है। एंड लुक एट हाउ शी इज स्पीकिंग टू द एग्जैक्टली फादर, दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। रिश्ता देखिए ना, उमेर राना के एक सीनियर पार्टी सपोर्टर की बेटी है जिससे वो उसकी शादी कराना चाहता है अपने बेटे के, दोनों ऐसे खड़े जैसे डेट पे आए हुए, वो अलग। और कहीं उसको बेटा नहीं कह रहा, बेटी नहीं कह रहा, मेहर से वो जिस तरह घर में बेगम से बात करता है उससे भी ज़्यादा बेतकल्लुफी से महरीन से बात कर रहा। महरीन जो ऐसे खड़ी हुई है, वो पोजीशन क्या है, उससे क्या साबित करना चाहते हैं कि कौन है, कि क्या होगी तो फिर क्या करें। सलमान के तो मुझ पर भरोसा नहीं रहा, मुझ पर भरोसा तो अरे क्या चल रहा है, अजीब सा वो रिश्ते ही उल्टे पुलटे हो गए वहाँ। वो अभी तक वैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बुरे सीन्स शूट हुए हैं सारे महरीन के, लेकिन ये दिस वाज द वर्स बेचारी का। और एक छोटा सा बस एक आता है फिर क्या करना है, तो मैंने कहा इसमें और मुझे लगता है कि इश्क मुर्शिद पे कोई प्रोडक्शन में पैसा लगा ही नहीं है, दो घर में पूरा ड्रामा ही शूट किया है। हाँ। और एक तो घर भी आधा है, महरीन तो सीढ़ियों पे, सीढ़ियां सोफा और वो, हालांकि पीछे है एक रूम मेरे ख्याल है जिसने शूटिंग के लिए जगह दी, उसने कहा बस आपने इधर शूटिंग करनी है। हाँ। ये सीढ़ियों तक और उधर ऊपर हम रहते हैं, हम लोग बिजी हैं। और इस दफा तो उन्होंने कह भी दिया कि आपको ये घर अजायब खाना लग रहा होगा, इधर कम अजायब खाना वो है ही, वो मुझे बिल्कुल रफी पीर थिएटर लगता है। अगर आप जाए ना लाहौर में तो वहाँ पे उनका जो है ना घर उस्मान साहब को, समीना साहिबा को, बिल्कुल ऐसा है, वो बिल्कुल ऐसे ही मास चीजें लगी हुई है। और वो बड़ा अच्छा था, आगे बढ़ना तो मैं उठवा के भी ला सकता। जो बताया सबको, और उसने कहा तुम्हारे घर पे ही है अभी इस वक्त। अच्छा, वो मेरे लिए स्ट्रेंज था, मेरे लिए बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि इतना कुछ होने के बाद हाउ कैन बिलाल गो बैक टू दैट हाउस। सामान लेने गया था, सोच है सामान लेने गया था, नहीं डायरेक्टर ने दिखाया, तो इसलिए उसके था एक बैग था, फोन छोड़ गया, चार्जर रह गया था फोन का, चार्जर लेने गया था। तो सब जाते हैं वापस, चार्जर, सॉरी अंकल चार्जर रह गया था। तो सामान तो अंकल ने पैक करके दे दिया था उसको, अब क्या रह गया, चार्जर, हाँ, ये चार्जर रह गया था। इवन डायरेक्टर की बहुत मेहनत थी शुरू में, काफी जगह अच्छा लगा, वो छोटे छोटे कमरे भी प्यारे लग रहे थे, वो फेंकने वाले सीन एंड एवरीथिंग। अभी बहुत ही लिमिटेड हो गया काम अब, क्योंकि अब स्क्रिप्ट की भी हेल्प नहीं है, स्क्रिप्ट भी बेचारा जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहा। ओएसटी बहुत बुरा था, जो आपने नया लगाया अहमद जहां जेब का ओएसटी वापस ले आए, ये इसने, ये मूड किलर है ये वाला ओएसटी, प्लीज म्यूट कर दें इसको, इसके ऊपर दूसरी फाइल लगाएं। डायरेक्टर को फाइल, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसके अंदर क्या रोमांस है, फिर से कहना गरीब आदमी, गरीब आदमी, याद है जब तुमने मैं शीशे के सामने खड़ा था, गरीब आदमी, इसमें क्या मतलब। हाँ। मुझे कुछ हिलाया नहीं इस लफ्ज ने, कोता नहीं कि जुमला लफ्ज सुना नहीं, क्या गरीब मुझे बहुत अच्छा लगा, इनकी इतनी प्यारी प्यारी के वो गुर्बत में उसके, आई थिंक दे हैड सच नाइस कन्वर्सेशंस कि जो पिछले वाले हफ्तों में ये कोई हाईलाइट नहीं था, ये तो राइटिंग डायरेक्शन इतनी बड़ी कोई, इसलिए मैं कह रही हूं कि वहां जुमले और पंच लाइंस इतने इंपॉर्टेंट सीन्स में उसको इतनी वीक मिली तो क्या करें, वही वाली बात। लेकिन जहां लाइनें आई हैं बाप के साथ, उधर खूबसूरत, एक तो उसकी आंखें बोलती हैं, इतनी खूबसूरत आंखों का जो शेड है और उसका कम्प्लेक्शन, एंड व्हेनेवर शी वेयर्स दिस ग्रीन, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जब रोती है ना तो फिर रोने का दिल चाहता है, हर एक्टिंग इज़ अमेजिंग, स्पेशली इस तरह के सीरियस इमोशनल सीन्स में। तो सपोर्ट नहीं थी लाइन्स की, स्क्रिप्ट की, लेकिन फिर भी बच्ची ने अच्छा काम किया, जो बात है। नंबर्स, आई विल गिव हर एन 8, जो मैं सीन्स देखती हूं। सिर्फ इस एपिसोड की बात हो रही है, सीन्स थे नहीं, और जो हुआ है बिल्कुल अजीब बात है, वाकई बिलाल ने इम्प्रेस नहीं किया, जो सिचुएशन, जो सीन थे भी, आई डोंट नो, समहाउ वो हिट नहीं किया। धागे जल रही है, जल रही है, जल रही है किसे, मैं उसको, मुझे तो अच्छा इतना लगता है, दुनिया में मैंने कितने नंबर दिए उसको, बिल्ला उसमें, बिल्ला शी इज गोइंग टू कैच फायर वेरी सून। मुझे दुख हुआ क्योंकि हमेशा बिलाल का काम अलग होता है। हाँ। बिलाल के सीन जो आप सोच भी नहीं सकते थे वो एक्सप्रेशन दे देता था, इस दफा क्या हुआ, आई थिंक सीन ही नहीं थे, मार्जिन ही नहीं, सीन ही नहीं लिखे हुए थे। हालांकि रोया भी है लेकिन मुझे कुछ फीलिंग नहीं आई, मुझे वाकई दुर्गा फिशा की एक्टिंग इस देखे ना, बनता जहाँ है वहाँ करने थे, लेट हर टेक द लाइम लाइट, शी वॉज मोर इम्प्रेसिव, ही वॉज नॉट। तो नंबर्स, सिक्स, गुड जॉब।